पहले आप सभी को यहाँ आने के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जैसे मेनली हमारा भी प्राथमिकता ही रहेगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उसी में हम लोगों को पहला प्राथमिकता रहेगा। उसके अलावा जनरल लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेनेंस है, वातावरण अनुकूल वातावरण रहे लोगों को शहर में रहने के लिए, उसमें हम लोग को ये रहेगा। तीसरा प्रायोरिटी है हमारा जो है क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, चिल्ड्रेन है और आपका जो वीकर सेक्शन है, उन्हीं लोगों के इसमें रहेगा। और जनरली हम ये कोशिश करेंगे पूरा से टीम काम करके कि विक्टिम को जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले और पुलिस का रिस्पांस जो है त्वरित हो, ये चीज़ हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और एक अपील करना चाहूँगा सम्मानित जमशेदपुर लोगों के बीच में कि पुलिस हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक में, तो आप भी हम लोगों को सहयोग करें ताकि जो है अभी तक मुक्त है, कोरोना मुक्त है जो जमशेदपुर, पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करें। तो ये हमारा जो है अपील है लोगों से। हाँ, पहले हमने जो यहाँ पर करीब 10 साल पहले हम यहाँ ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन किए थे। गारसिला में मेरे थाना का अटैचमेंट हुआ था, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए जो है 2011 में 3 महीना के लिए CTSP के रूप में रहे, दूसरे CTSP के रूप में। लेकिन अभी काफ़ी अंदर है, झारखंड पुलिसिंग में भी काफ़ी जो है हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तो 10 साल में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है सिटी में। उसके बाद हमें यहाँ पर आ नहीं पाया, तो उसके बाद अभी आए हैं। जो थोड़ा बहुत जो भी उसमें एक्सपीरियंस होगी, उस एक्सपीरियंस से मैं समझता हूँ मुझे रेडी मदद मिलेगी। सर, ये पॉलिटिकल हब इसको माना जाता है शहर को, मंत्री हुए, कई मंत्री हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पर भी प्रेशर रहता है, तो उसको किस तरह से आप टेकल करेंगे? जो भी हम लोग काम करेंगे एज पर लॉ नियम लगा करेंगे। सर, ये सभी जगह अगर यहाँ पर गैंगवार हुआ, गोली करते हैं, तो किस रूप में लेगा सर? ये जस्ट हमको पता चला CTSP के द्वारा, कल शाम में भी उन्होंने फोन किए थे। इसमें मुझे पूरा जानकारी अभी प्राप्त नहीं है कैसे किस गैंग है, क्या है क्या नहीं है, तो उसमें CTSP इस पर पूरा काम कर रहे हैं। और पूर्व SP सर के द्वारा इसमें टीम भी गठित किया गया है और जस्ट अभी बता रहे थे लोगों को गिरफ्तार भी होने वाला है, कुछ लोगों को सुराग भी मिला है। तो जैसे पूरा जानकारी होगी तो 1-2 दिन में हम जरूर आपको इस चीज़ के बारे में देखेंगे। अपराधियों को कुछ हिदायत भी दे रहे हैं सर क्या आपने? हिदायत नहीं, जो गलत करेगा तो उन लोगों के खिलाफ मतलब एकदम बिल्कुल आयरन हैंड के साथ हम लोग डील करेंगे। लॉ जैसे कहता है वैसे काम करेंगे।